नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। और अम्बाला में कोरोना जो है वो बेहद ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। आज की अगर हम बात करें तो आज अम्बाला में रिकॉर्ड कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और पहली बार एक ही दिन में 11 जो मौतें हैं वो अम्बाला में दर्ज की गई हैं। इसके साथ साथ आपको बड़ी खबर ये भी दे दें कि अम्बाला के बाल सुधार गृह तक अब कोरोना जा पहुँचा है। वहाँ पर भी जो कुछ बच्चे हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या कुछ वहाँ पर जानकारी है वो जानने के लिए डॉक्टर संजीव सिंगला इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितने बच्चे जो हैं वहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं? सर, 31 जो हैं वहाँ पे ऑब्जर्वेशन होम में 31 बच्चों के पॉजिटिव होने की हमारे पास पुष्टि हुई है। और टोटल 85 सैंपल उठाए गए थे, वहाँ पे 71 बच्चे हैं जो हैं ऑब्जर्वेशन होम में हैं और 31 इनके हैं जो हैं कोरोना से ग्रसित मिले हैं बच्चे। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि बच्चे अंदर ही बंद हैं, वहीं पर आइसोलेशन रूम्स बनाए जाएंगे, किस तरह से उनका ध्यान रखा जाएगा और क्या कोई इनमें से क्रिटिकल कंडीशन में भी है? नहीं, अभी कोई ऐसा कोई मामला नहीं है कि क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन प्रशासन से इस बारे में वार्तालाप चल रहा है। और जो हमारी व्यवस्था के अनुसार इनको जो पॉजिटिव है उनको अलग आइसोलेशन में किया जाएगा, जो सिम्टोमेटिक उनको अलग रखा जाएगा, अगर नेगेटिव हैं तो सिम्टोमेटिक हैं लेकिन उनको अलग रखा जाएगा, और अगर जो नेगेटिव हैं तो उनको अलग रखा जाएगा। इस बारे में हिदायतें की गई हैं और प्रशासन से बात इसमें की जा रही है। सर, सेकेंड वेव जब शुरू हुई थी तो पहले ही कह दिया गया था कि बच्चों को इस बार बचाना होगा, तो क्या कुछ अब स्पेशल वहाँ पर गाइडलाइंस जो स्टाफ है उसे दी जाएंगी, किस तरह से बच्चों का ध्यान रखा जाएगा? इस मामले में ये इस वे में ज़्यादातर बच्चे भी क्योंकि एक संक्रमित हो रहे हैं, और इस बारे में पहले भी कहा जा रहा था कि ये जो एक्टिव ग्रुप है इनसे बचाना है क्योंकि ये सिम्टोमेटिक रहता है, लेकिन कहीं किन्हीं कारणों से वहाँ पे एक संक्रमण हो गया है तो अब आइसोलेशन से इनको काबू में किया जाएगा। सर, कोई पहला केस बता पाएंगे कि कब रिपोर्ट हुआ था वहाँ पर, किस तरह से पता चला? एक दिन पहले ही अभी वहाँ पे एक मामला आया था जिसके कारण से वहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन होम के सैंपलिंग की गई थी, अब वहाँ पे संक्रमण काफ़ी पाया गया है जी। तो बिल्कुल अम्बाला के ऑब्जर्वेशन होम यानी कि बाल सुधार गृह में 31 जो बच्चे हैं वो संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और अब बच्चों को वहाँ पर अलग अलग आइसोलेशन रूम बनाकर रखे जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि जो लोग पॉजिटिव हैं उन्हें अलग रखा जाएगा और जिनमें लक्षण हैं या जिनमें कोई भी लक्षण नहीं है उन्हें भी अलग रखा जाएगा और इलाज जो है वो शुरू कर दिया गया। तो बड़ी खबर इस समय अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ अम्बाला की सेंट्रल जेल से पहले कहीं कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, वहीं अब बाल सुधार गृह तक भी जो है कोरोना का दंश जा पहुंचा है। आपको बता दें कि चार दीवारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाल सुधार गृह की, देख सकते हैं आप कि चार दीवारी जो है वो पूरी तरह से बंद रहती है, जो चुनिंदा लोग हैं उन्हें ही अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। ऐसे में यहां से 31 मामले पॉजिटिव पाए जाना तो काफ़ी गंभीर बात है। अब यहां पर किस तरह से बच्चों का इलाज किया जाता है, क्या कुछ आगे की अपडेट होगी वो भी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ मोबाइल पर अपडेट्स पाने के लिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करें।